आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बालवरगंज बाजार के समीप NH 233 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। शाम को अनियंत्रित कार अपने लेन से दूसरे लेन में जाते वक्त साइकिल सवार व मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारते हुए पलट गई। पलटने से पहले अनियंत्रित कार सड़क किनारे दुकान में जा घुसी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दुर्घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क हादसे में अतरौलिया की तरफ से आजमगढ़ की तरफ आ रही होंडा सिटी गाड़ी अनियंत्रित होते हुए दूसरे लेन में जाकर लोगों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मृतक संतराम सैनी, रामावत राम सिंह व शिवा सैनी हैं। घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोग उस वाहन के चालक व सवार हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक और व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, घायलों का इलाज कराया जा रहा है। SP ग्रामीण ने बताया कि घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है। आज दिनांक 27/3/22 को थाना कप्तानगंज के तेरही वालवर गंज बाजार में करीब 3:30 बजे एक सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें अतरौलिया की तरफ से आजमगढ़ आ रही एक होंडा सिटी गाड़ी द्वारा अनियंत्रित होते हुए अपनी लेन परिवर्तित करते हुए दूसरे लेन में जाकर लोगों को टक्कर मार दी गई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, जिनके नाम श्री संतराम सैनी, श्री राम अवधराम, श्री रामफे व श्री शिवा हैं। घटना में 6 लोग घायल भी हैं, जिसमें से 5 उक्त गाड़ी के चालक और सवार व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। शवों को मर्चरी भिजवा दिया गया है, मजरूहों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाड़ी पुलिस कब्जे में ले ली गई है तथा गाड़ी चालक व उर्वे सवार व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेते हुए उनका इलाज भी कराया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।